तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिव्यू दूंगा सैमसंग की 9 kg सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। तो फ्रेंड्स, ये 9 kg की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जो कि ऊपर से पूरा ब्लैक फिनिश में है, सबसे बॉटम में भी ब्लैक और बीच में ग्रे कलर के साथ है। 5-star रेटिंग की ये मशीन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसके मॉडल नंबर के बारे में बताऊँगा। ये है फ्रेंड्स आपका 2024 का WT90C4260GG मॉडल है, जो कि आपका 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। इसकी अगर हम वाटर कंजम्पशन की बात करें फ्रेंड्स, तो 21.8 लीटर पर केजी पर साइकिल ये ले रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसे क्या फीचर है जानेंगे आप आगे वाले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले मेन खास इस मशीन के वोल्टेज के बारे में, क्योंकि मशीन की सबसे पहले देखी जाती है मोटर वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वॉट है 530 वॉट की इसकी वॉश मोटर है और 165 वॉट का इसका आपका ड्रायर है, यानी स्पिन ड्रायर, ठीक है, 9 kg कैपेसिटी के साथ आती है। बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड में यहाँ पे आपको ये ड्रेन पाइप दिया जाता है, एक बड़ी लिड भी दी जाती है, तो पूरा बैक साइड से ये कवर्ड रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं इसके सबसे पहले हम पैनल के बारे में, ठीक है। स्मॉल रिव्यू रहेगा क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक में इतना खास फीचर आते नहीं है, फिर भी अगर आप इसको परचेस करते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे आपको 4 जॉब डाइल्स मिलते हैं, जिसको हम वॉश टाइमर, वॉश सिलेक्टर और ड्रेन सिलेक्टर और स्पिन सिलेक्टर के नाम पे जानते हैं। सबसे पहले हम वॉश टाइमर की बात करेंगे। इसमें आपको 5 से लेके 15 मिनट और 45 मिनट का भी टाइम है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स आपका सोकिंग का भी सिस्टम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सोकिंग क्या होता है? सोकिंग एक ऐसा वॉश प्रोग्रामिंग होता है जो कि आप ज़्यादा गंदे कपड़े या कि कर्टेंस वगैरह है, बेडशीट वगैरह, जो हम लगातार एक हफ्ते में धोते हैं, डेली नहीं धोते, तो उनको धोने के लिए क्या होता है, हमें घर में एक अलग से टब में उनको भिगाना पड़ता है ताकि उसका मैल निकले, फिर हम उसको वॉश करें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई भी बाहरी टब में भिगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको इंटरनल वॉश टब में ही भिगा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे सोकिंग का टाइम आप यहाँ पे लगा सकते हो, इस टाइप से ये सोकिंग का टाइम हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉश सेलेक्टर मिलता है। वॉश सेलेक्टर में दे रखा है डेलीकेटेड, जेंटल, नॉर्मल और हैवी, यानी किस टाइप का आपका कपड़ा है, कितना हैवी है, कितना नॉर्मल है, वो सब चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही साथ ड्रेन सेलेक्टर का भी ऑप्शन मिलता है, यानी वॉश रेंज और ड्रेन सेलेक्टर हो गया। अगर आप वॉश अरेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पॉइंट पे रखें, और आप ड्रेन कर रहे हैं तो ये वाले पॉइंट पे। ड्रेन की जरूरत कब पड़ती है फ्रेंड्स, जबकि आप इस पर कपड़े धोते हैं ड्रम के अंदर और आपको लगता है कि पानी ज़्यादा गंदा हो गया है तो मुझे इसको ड्रेन कर देना चाहिए, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके पूरा पानी ड्रेन कर सकते हो। लास्ट में आता है स्पिन टाइमर। तो फ्रेंड्स, इसका ये स्पिन टाइमर का होता है सुपर ड्राई तक, यानी 10 मिनट का भी, डेलीकेटेड, नॉर्मल और सुपर ड्राई, यानी आपको किस टाइप का ड्राई करना है वो यहाँ पे देखा जाता है। मोस्टली कस्टमर्स क्या होता है, ज़्यादातर आपको सुपर ड्राई पे ही रखते हैं। सुपर ड्राई का मतलब होता है कि ये जितनी तेज़ी से ये इस कपड़े को सुखाएगा उतना टाइम भी कम लगेगा, ये ज़्यादातर माना जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको मीडियम साइज़ पर भी वॉश कर सकते हैं आराम आराम से, ताकि कपड़ा ज़्यादा डैमेज भी ना हो। इसके स्पिन की बात कर लेते हैं, तो इसका जो स्पिन टब है वो है एयर टर्बो के नाम से। एयर टर्बो में क्या होता है, जब ये तेज़ी से स्पिन करता है जो इसके साइड में कॉर्नर्स में गैप बना रखे, तो यहाँ से हवा का एयर फ्लो बाहर की साइड आता है, जो कि आपके कपड़ों में स्मेल रहने नहीं देगा और इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी रहेगी कपड़ों की, और कपड़ों में स्मेल्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहेंगे। साथ ही अगर हम इसके ड्रायर की बात करते हैं फ्रेंड, तो इसका जो ड्रायर है ये इसका बड़ा ड्रायर है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसमें आपको ये आपको स्पेयर पार्ट भी मिलते हैं। स्पेयर पार्ट में क्या आता है फ्रेंड, इसमें एक आपका एक ड्रेन पाइप आता है, इनलेट पाइप आता है, ठीक है, एक मैनुअल बुक आती है, और ये आपका स्पिनर का एक फ्लैपर आता है जो कि स्पिनर टब के ऊपर ही लगाया जाता है अंदर के साइड से, ताकि आपका कपड़ा घूमते वक्त बाहर की साइड ना निकले। तो ये आपका 9 kg का ड्रायर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगर हम इसके वॉश टब की, तो ये है फ्रेंड्स इसका वॉश टब। वॉश करते समय आप इसकी लिड को ऐसे हैंग भी कर सकते हैं साइड में, क्योंकि इसमें आपको हैंगिंग का ही ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे ये हुक दिया जाता है, तो आप इसको ऐसे करके हैंग भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें टैक्सन टब की, तो ये आपको हेक्सा स्ट्रोम पल्सेटर के साथ दिया जाता है। हेक्सा स्ट्रोम पल्सेटर क्या होता है फ्रेंड, हेक्सा स्ट्रोम पल्सेटर का फ़ायदा ये है कि इसकी जो मूवमेंट होती है 3 रोलर विद राइजिस के साथ होती है, यानी इसका जो मूवमेंट है जब ये मूव करता है
तो इसमें थ्री बड़े बड़े बीन्स दे रखे हैं और साथ ही इसमें रोलर दे रखे हैं जो कि कपड़ों को टम्बलिंग करते हैं यानी एंटी टेंगल वॉशिंग देते हैं। यानी जब भी आप इसके अंदर वॉश करोगे तो पानी का तो फ्लो ये बनाएगा ही बनाएगा, उसके बाद ये रोलर भी करेगा कपड़ों को ताकि आपका कपड़ी स्मूथली रोलिंग हो, ठीक है फ्रेंड। तो यानी ये पावरफुल वॉशिंग भी देता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी फिल्टर की बात करें तो ये होता है फ्रेंड इसका लिंट फिल्टर, जिसमें जो आप कपड़े धोते हो उसमें जो रेसे वगैरह रह जाते हैं उसको ये कैच करता है। उसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आराम से क्लीन करना है, वापस ऐसे लगा देना है और वो यहाँ पे सेट कर देना है। ये सिंपल ही होता है, इसको आप निकाल के वॉश भी कर सकते हो। बाकी जब आप कंपनी से नई मशीन लेते हो तो सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, सावधानियाँ जो होती है मशीन से रिलेटेड, वो आपको सामने ही मशीन के फ्रंट पैनल पर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करते हैं इसमें और फीचर की, और फीचर में क्या क्या है, तो और फीचर में इसके आते हैं व्हील। तो इस मशीन को आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हो, यानी इसमें मशीन में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो इसमें व्हील दिए गए हैं। यानी इसका अगर व्हीलिंग का ये फ़ायदा है कि अगर आप इस मशीन को मूव करते हो तो आपको ये क्या क्लीनिंग करने में आसानी रहती है, यानी आप इस मशीन को इधर से उधर हटा सकते हो और क्लीनिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसकी जो बॉडी होती है फ्रेंड्स वो आपकी रस्ट प्रूफ बॉडी रहती है, रैट अवे टेक्नोलॉजी के साथ रहती है, यानी घर में अगर चूहे वगैरह भी है चूहों से भी ये रैट अवे टेक्नोलॉजी यानी मशीन की टेक्नोलॉजी आपकी सेफ रहेगी, यानी ये बॉडी सेफ रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें बेसिक यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बेसिक यूज़ कैसे होगा। बेसिक यूज़ सिंपल है कि जब भी आपको वॉश करना हो तो वॉश पर लगाइए, जब स्पिन करना हो तो स्पिन पर लगाइए, और यहाँ पर लगता है आपका इनलेट पाइप जो कि आपके मशीन पर डायरेक्टली नलके से लगता है। इनलेट पाइप इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये छोटा वाला ये आपके टैप पे लगता है और यहाँ पे आपका ये दूसरा नोजल लगता है, ठीक है, इजी टू यूज़ है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके आपको यहाँ पे टाइमिंग फिक्स कर देना है और इसको छोड़ देना है, ये मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम करते हुए ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो कंपनी 5 साल की इसकी मोटर की वारंटी देती है और 2 साल की इसकी टोटल वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस मशीन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।